उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस के 3 दिन के मंथन के बाद अमृत निकला है जो उत्तराखंड की जनता को फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा कई और मुद्दों पर न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र सिला ने हरीश रावत से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस का 3 दिन का महामंथन हुआ है। महामंथन के बाद कई सारी चीज़ों पर पार्टी ने रणनीति भी बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत जी मेरे साथ हैं। सर, आपकी जो महामंथन बैठक हुई, सारे बड़े नेता मौजूद रहे, प्रभारी सह प्रभारी सब मौजूद रहे, निचोड़ क्या निकला सर और मंत्र क्या निकला? पहली बात तो यह है, मैं चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष हूँ, प्रचार इत्यादि उसका एक हिस्सा है। और देखिए, वहाँ गहन मंथन के बाद अमृत निकला है। अमृत की बहुत सारी बूंदें निकली हैं जो उत्तराखंड के लोगों में आशा और विश्वास का संचार करेंगे। नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सारे वर्गों के लिए, बूथ और सैनिकों, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है समाज का जिसके लिए वहाँ के मंथन से अमृत न निकला हो। ये अमृत कांग्रेस को भी ताकत देगा जो ऋषिकेश से निकला है। सर, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं कि ये मंथन नहीं था, महाविनाश था। कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है, चेहरा नहीं है, और हम तो 70 सीटें ला रहे हैं इस बार, तो कांग्रेस तो मुकाबले में कहीं है ही नहीं। त्रिवेंद्र सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको मैं ये राय दूंगा कि वो चुप रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लोग कहेंगे इसको क्यों निकाल दिया, अभी तक तो उन्होंने ये नहीं बताया राज्य के लोगों को कि उनकी पार्टी ने उनको क्यों हटा दिया, क्या कारण है। अच्छा खासा विधानसभा सत्र चल रहा था, बजट पेश कर रहे थे, उनको निकालने का क्या कारण है। जिस दिन वो ये बता देंगे तब मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा, और नहीं तो बाकी उनके जख्मों पर मैं नमक नहीं छिड़कना चाहता। सर, 1.5 साल से आप एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फ्री बिजली पर आप लोग योजना बनाएंगे, फ्री बिजली देंगे। अब कांग्रेस ने 3 दिन की बैठक के बाद आपकी इस बात पर मुहर लगाई है, लेकिन विपक्ष इसे नहीं, सत्ता पक्ष इसे नहीं देख पा रहा है। त्रिवेंद्र जी का ये कहना है कि फ्री बिजली कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जनता को भटकाने का मुद्दा। वैसे तो भाजपा के समय में स्वस्थ बिजली, सस्ती बिजली भी कोई मुद्दा नहीं था। वो तो 14 घंटा बिजली देकर के भी काम चला ले रहे थे, और टिम 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 वाली वो जिसमें वोल्टेज कम होता था वो बिजली देते थे दूर दराज के एरियाज को। हमने जो है पूरी वोल्टेज दूर बद्रीनाथ केदारनाथ की घाटियों में भी पूर्ण वोल्टेज, और साथ साथ जो है सबसे सस्ती बिजली और 24 घंटा बिजली, ये हमने ये चमत्कार 3 साल के अंदर किया, और तीनों कॉरपोरेशन को हम लाभ में लाए। हमारे एक कॉरपोरेशन को देश में ग्रेडिंग में 3रा या 4था स्थान मिला था, सर, कर्मचारियों के कई सारे मुद्दों पर समितियां बनी हैं शासन के स्तर पे, सरकार के स्तर पे। इंदु कुमार पांडे जी ने कर्मचारियों के एक मुद्दे पर समिति में पद लेने से भी मना कर दिया है। क्या सरकार कर्मचारियों के मामलों को सुलझा नहीं पा रही है, या कर्मचारी ज़्यादा कर्मचारियों के मामलों को समझते ही नहीं? कर्मचारी दोस्तों को सोचना चाहिए। मैंने उनको 7th पे कमीशन दिया, पुराने मामले सुलझाए, ग्रेड पे के मामले सुलझाए, मैंने विभागीय नियमावलियाँ बनवाई, मैंने कैडर वो सब ठीक किए, मतलब जो कुछ भी हुआ मेरे कार्यकाल में हुआ कर्मचारियों के लिए, मैंने व्यवस्थित व्यवस्था को बनाने के लिए कर्मचारियों, लेकिन कर्मचारियों को ये मोदी ज़रा अच्छे लगे। अब आप देखिए, और हमने ये कहा है कि हम पर विश्वास रखो, हमारी सरकार आएगी तो हम 6 महीने के अंदर ऐसा मैकेनिज्म खड़ा कर देंगे जिससे कर्मचारियों से बातचीत करके उनकी समस्याओं का उचित समाधान निकल सके। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस को कहाँ खड़ा देखते हैं, कितनी सीटों की उम्मीदें आप लोगों को लग रही है, और कितना लग रहा है कि सत्ता पक्ष पर वार करने के लिए कांग्रेस आक्रामक? मैं उत्तराखंड के लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, पिछली बार भी उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया लेकिन शाम को भी गिनने पड़ते थे विधायक, सुबह भी गिनने पड़ते थे, तो इस बार कृपा करें, यदि मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, कांग्रेस पर विश्वास कर रहे हैं, तो हमको इतनी सीटें दें कि हम स्थिरता से, हिम्मत से अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का काम कर सकें। यदि हमारे पास 57 होते तो बल्ले बल्ले होती उत्तराखंड की। अब हमारी तो सुबह शाम गिनने, किसी बकरी को कोई चोर के ले जा रहा था, कभी कोई किसी बकरी को चोर के ले जा रहा था। ओरिजिनली सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।
है।